अब ट्रेनों की स्पीड और होगी। अब यात्री 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के जरिए अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच सकेंगे। महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री आने वाले सालों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के अगले अपग्रेडेड वर्जन के लिए लगभग 1600 कोचों का निर्माण करेगी। इनमें से हर एक कोच की निर्माण लागत 8 से 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि वंदे भारत ट्रेन का नया वर्जन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड हासिल करने में सक्षम होगा। 8 से 9 करोड़ प्रत्येक कोच की लागत होगी। औरंगाबाद में चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर की ओर से आयोजित डेस्टिनेशन मराठवाड़ा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट 400 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के दायरे में मौजूद कंपनियों के लिए भी अवसर प्रदान करेगा। रेल मंत्री ने आगे बताया कि इन ट्रेनों की अधिकतम स्पीड अब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की तुलना में 200 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अगले संस्करण का पहला कोच 15 से 16 महीनों में तैयार किया जाएगा। वैष्णव ने सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण में सामने आ रही चुनौतियों पर भी बात की। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम उनके अंदर के साउंड लेवल को 60 से 65 डेसिबल तक लाने में सफल रहे हैं, जो कि विमान के साउंड लेवल से कम है। रेलवे ट्रैक बिछाने की गति बड़ी है। वैष्णव ने ये भी दावा किया है कि 2014 से रेलवे ट्रैक बिछाने के कामों में तेजी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए। एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।